अबे साले छुप रे नीचे छुप रे आगे आगे आओ ना जल्दी आ साले। अस्सलाम वालेकुम। खेले इसके साथ। हमारा प्लान है इस दफा दोस्तों के साथ आउट ऑफ कंट्री ट्रिप का। मेरे गर्म पानी से भी इस वक्त धुएं निकल रहे हैं और बाहर भी हर जगह धुआं ही धुआं है। धुआं तो नहीं इसको कह सकते लेकिन स्मोक या फोक जरूर कह सकते हैं। शिद्दत वाली धुंध में मैं जा रहा हूँ अभी एयरपोर्ट अपने कुछ दोस्तों को पिक करने के लिए। ऑलरेडी 10-15 मिनट में लेट हो चुका हूँ क्योंकि उनकी फ्लाइट लैंड करनी है 9:15 पर और इस वक्त टाइम हो रहा है 9:30। सफर मेरा 40 मिनट का है। मुझे नहीं पता इतनी ज्यादा धुंध में मैं अपना 40 मिनट का सफर 15-20 मिनट में कैसे तय करूंगा। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मेरा सफर 15-20 मिनट की जगह 1 घंटे 15-20 मिनट का हो जाएगा। वेलकम टू लाहौर। 1 hour later माज और सबा भाभी को अभी मैंने एयरपोर्ट से पिक किया और एयरपोर्ट से पिक करने के बाद ले आया हूँ घर। घर आते ही जी हम लोगों ने किया नाश्ता वास्ता करने के बाद, क्योंकि वो बेचारे ट्रैवल करके आए हैं तो उनको नींद आ रही थी, तो अब वो सो जाएंगे और हम लोग अपने कामकाज करेंगे। माज तो सो गया, भाभी आप भी सोएंगे? नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, एकदम आती मैं इसको। और वैसे भी इस दिन ही सोने का। चलिए मैं बैग आपको ऊपर छोड़ा था। ये छोटा वाला ये तो सेम ईदल जैसा है ना। हाँ ईदल के पास भी ऐसा लेकिन उसका टूट गया। हुआ नाश्ता रेडी है जी खाने के लिए, तुम रेडी हो? आ जा। चल उधर अपनी जगह पर चल, जा खाता है ना और दाना यहाँ आ जा। ये ले कुकु, खाओ अपना खाना। मेहमानों को घर पे आराम करता हुआ छोड़कर हम लोग आ चुके हैं मॉल में। बिकॉज़ एक और नए ट्रिप की तैयारी हो रही है ना यार। और जो लास्ट टाइम हम लोग अभी ये अपने अबू धाबी वाले ट्रिप पर बैग्स वगैरह खरीद कर लेकर गए थे ना, उनमें से जो बड़े वाला बैग था ना वो जनाब थोड़ा बहुत टूट चुका है, वो दोबारा से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ मॉल में अभी खरीदने हैं 2 बैग, एक अपने लिए बड़े वाला और एक एजल के लिए छोटे वाला। बिकॉज एजल का बैग भी इस अबू धाबी वाले ट्रिप में टूट चुका था। बैग जी हम लोगों ने खरीद लिए फाइनली। ये एजल के लिए बैग खरीदा है और ये हम लोगों ने अपने लिए बड़े वाला बैग खरीदा है। कमल मैडम अपने कौन खाने में मसरूफ है, मेरे कौन खाए ये चलो, क्योंकि भूख लग रही थी तो सोचा कि शॉपिंग के दौरान कौन ले लेते हैं और गाड़ी में बैठकर सुकून से खा पी लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अब ये वाले बैग्स नहीं टूटेंगे और साल 1.5 साल या 2 साल निकाल जाएंगे सुकून से। उम्मीद तो नहीं है पाकिस्तानी चीज़ों के मतलब इतनी, लेकिन फिर भी अच्छा अच्छा सोचा तो जा सकता है ना। मैं आ चुका हूँ जी अब सैलून और कमल जा रही है। मैं आ चुकी हूँ बस स्टेशन पर और यकीन माने मैप ने इतना जलील किया हमेशा की तरह, मुझे 8 मिनट पहले खड़ा कर दिया और मैं वेट कर रही हूँ। जब लारेब ने मुझे लोकेशन भेजी है तो वो 10 मिनट आगे की है, तो अब मैं इस रश में फंस चुकी हूँ। लेट्स सी बेचारों को 5 मिनट वेट करना पड़ेगा जबकि मैं 15 मिनट पहले आई थी टाइम से, क्योंकि मैं बहुत पंचुअल हूँ। और वो देखो जी वो खड़ा हुआ है लारेब जरनाब, इनको मैंने यार 15 मिनट वेट करवाया कसम से। सॉरी बिस्मिल्लाह, आजो यार आजो। और ये सामान पता नहीं 100 दिनों का ले आए हैं ये लोग, सामान 100 दिनों का। बिस्मिल्लाह आप आए बाहर आई 100 दिन का सामान ले आए हो? नहीं आपका ही बैग है इसमें। 100 दिनों का सामान लो, एक बैग है बेचारा हमारा, सिर्फ एक बैग। पहले लड़ लो, इजी होने दे, पहले लड़ लो फिर कुछ कहना। आप बैठे ना। सैलून से जी मैं हो चुका हूँ फ्री और मेरे पास गाड़ी नहीं थी। पहले मैं प्लान कर रहा था कि कोई ऊबर या क्रीम श्रीम करके चले जाता हूँ घर, लेकिन फिर चूंकि कवल भी वहाँ से पिक करके आ रही है लारेब लोगों को, उसने कहा कि यार आप आधे रास्ते तक आ जाओ किसी तरीके से और मैं वहाँ से आपको पिक कर लूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर आधा रास्ता अपना तय कर लेता हूँ और तुम वहाँ से उनको पिक करने के बाद मुझे हाफ रास्ते से पिक कर लो। तो अभी भाई सैलून से फ्री हुआ था, फिर मैंने ये हमारे भाई हैं इनसे लिफ्ट ली है कि यार मुझे आधे रास्ते तक उतार दे, तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है हम लोग आपको उतार देंगे। थैंक यू सो मच भाइयों, बहुत ही कम वैसे लोग होते हैं जो बिना जान पहचान के आपको आपकी मदद कर देते हैं। आप नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं आपको अच्छी तरह। अच्छा आप हमारे स्टार हैं सर। अरे यार थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ काफी पुराना हूँ मैं तो, 4.5-5 साल तो मुझे सोशल मीडिया पर स्ट्रगल करते हुए हो गए हैं यार।
और अभी तक कुछ बना नहीं है। नहीं नहीं ये ना बोले। नहीं सही बात है। नहीं बन बहुत कुछ गया ये ना। सर 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 स्टिल स्ट्रगलिंग बिकॉज़ सोशल मीडिया एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप रोजाना कुछ ना कुछ नया करने के मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं और कभी भी आपका जो पुराना मतलब आज से 3 दिन पहले आपने अगर कोई आइडिया क्रिएट किया होता है वही आइडिया आप अगले दिन या उससे आने वाले 2 महीनों तक नहीं चला सकते। आपने हमेशा और रोजाना एक नई चीज़ आवाम के आगे लेकर इसलिए कह रहा हूँ कि स्टिल स्ट्रगलिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भाई। थैंक यू। अबे साले छुप रहे छुप रहे छुप रहे नीचे छुप रहे आगे आगे आओ ना जल्दी आ साले। अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा है सफर? बम पापड़ भूख लगी है। अच्छा अच्छा चलो चलते हैं। ये पकड़ फोन चलो चल। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई वो मैं ना यार आपकी गाड़ी में अपने फोन का चार्जर और अपना वॉलेट भी भूल गया हूँ। मैं चले यहाँ ही रुक रहा हूँ। मैं आपको अपनी करंट लोकेशन भेजता हूँ। ओके ओके आज वो शुक्र है ये जुल्कर्ण को पार्ट नहीं दे रहे हैं। लिया था नहीं तो भाई लिफ्ट के चक्कर में अपना लाखों का सामान जाता रहना था। लाखों का सामान ऐसे वैसे वॉलेट में तो 1500-2000 ही है लेकिन कार्ड शार्ट बड़े कीमती हैं यार। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू यार। हाँ यार बस मैं ना इस मामले में बहुत ही बोंगा हूँ। चीजें हमेशा भूल आता हूँ छोड़ आता हूँ। और थैंक यू भाई अल्लाह हाफिज। चले भाई फूल चाहिए? इसको फूल मेरा मेरे पीछे बैठा है। My God, गुलाब का फूल जी। आज उन्होंने ड्रेस भी रेड पहना है जी। तू कौन सा फूल है? मैं गेंडे का फूल है मेरा फेवरेट है। ये जी कौन सा गेंडा फूल? और गेंडा के फूल के बगैर शादी अधूरी तेरी भी नहीं होती समझा। अगर मैं ना होता तेरी शादी नहीं होती साले। चल ओए सनफ्लावर से गेंडा कुछ और है। हां सनफ्लावर वो सूरजमुखी का फूल होता है ना। गेंदा वो होता है जो मेहंदियों पे नहीं लगता। नहीं नहीं गेंदा नहीं मेरा वो गोल सा गेंदा। बस तू नहीं है भाई फिर फेवरेट। चल निकल गाड़ी से बाहर खेले इसके साथ। पहले लारिफ डर रहा था अभी इसने भी डरना शुरू कर दिया। आजा 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 आजो आजो चलो चलो बच्चों 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 चलो 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 चलो। अबे फट्टू वो देख वो मांस को खाने लगा था। हाँ ना चलो खाना लगवाओ ना। हाँ खा लिया खाना यार कह दिया सोने। अच्छा चलो ठीक है जी। खाना शाना बन भी गया और लगा रहे हैं। लगा दिया मैं इधर क्या करूँ। मैं अच्छा धोकर जाता हूँ खाना शाना खाता हूँ दोस्तों के साथ। भाई सोने के चम्मच के साथ आज हम लोग खा रहे हैं बिरयानी। कभी खाई है सोने के चम्मच के साथ बिरयानी? भाई कभी नहीं। निकाली भी नहीं सोने के चम्मच निकाल भी रहा हूँ। आज सब लोग सोने के चम्मचों के साथ ही खा रहे हैं। बस ये जेब में ना डालना ठीक है। सुकून से बिरयानी खाओ और इधर रख दो वापस। डाल लिए किसकी जेब में? नारेब ने। आपकी तो जेब ही नहीं है। हमारे अलावा सबके बैग वगैरह रेडी शेडी हो चुके हैं। बस मेरी और कमल की पैकिंग रह गई है बिकॉज हमारा प्लान है कल सुबह 9-10 बजे की फ्लाइट लेने का है ना। ओए कुकू क्या हो गया? ये मास को बुला। ये मास को बुला। तूने कुकू के साथ छेड़खानी की है ना वो फिर से शुरू हो गए। वैसे तो इनकी पैकिंग शैकिंग डन है बिकॉज हमारा प्लान है इस दफा दोस्तों के साथ आउट ऑफ कंट्री ट्रिप का जिसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एक बाहर कुकू चीखे मार रहे हैं अंदर बच्चे चीखे मार रहे हैं। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? क्यों चीखे मार रहे हो? क्या हुआ है? क्या हुआ है सारा? चाबी मांग रही है सारा। अच्छा चाबी मांग रही है। इधर छोड़ दो चाबी खेलने दो बहनी को खेलने दो। नहीं मांगो ना खेलने दो। यू यार दोनों अपनी अपनी जगह जिद कर रहे हैं। चलो ये लो दोनों को नहीं मिलेगी।
ओए 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 इधर पीछे जा रही है अपनी अम्मा के दो मुझे चाबी से लड़ रही है। नहीं नहीं इधर को नहीं मारा। ये मेरी भांजी और बेटी दोनों लड़ रही थी चाबी के पीछे। यार इसे भी चाबी पकड़ लो बिकॉज़ ये मार ना ले। ठीक है आप जाओ ना। ना मैं जा रहा हूँ लारेब को लेकर। भाई मेरा हर चीज ले आया था कराची से, बस इसके पास ट्राउजर शर्ट नहीं था, तो अभी वो दिलवाने के लिए इसको ले आया हूँ। बिकॉज इसने ना आज क्रिकेट खेलने के मतलब बहुत ज्यादा मुझे फोर्स किया है इसने और माज ने। फिर मैंने थोड़ी देर तक ना क्रिकेट का भी प्लान रखा है और वो भी एक टीम के साथ मैच लगाया। ठीक है तो भाई पंजाबी में कहते हैं कंड नहीं लगानी। साइकिल बड़ी अच्छी पेंट करके यहाँ ब्रांड वालों ने रखी हुई है, पता नहीं चलती भी है कि नहीं। उए उए चलती है यार ये तो सही रखी हुई है साइकिल यार, बस टायर में हवा नहीं है, बाकी सारा काम ठीक है। चले ले लिया बादल तो रहा है। अच्छा अच्छा ये क्या करती है डर के शेर ने देखो को देख के शेर की लगती है। अबे तुझे देखकर उसकी निकल गई है। अरे बहुत ज्यादा हग्गा कर रहा है। ओए ओए बस कर दे अभी जी। हमारी भी ट्रिप की पैकिंग शैकिंग चल रही है और मैंने तो बस अपने कपड़े निकाल कर बेगम को दे दिए हैं, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है बेगम। मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। भाई क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, शादी पर नहीं जा रहे जो तुम बाल बना रहे हो। बोला ऐसे करना मैं क्लिप। मैंने नहीं कहा झूठा। भाई हमारी टीम का मैच है अभी दूसरी टीम से और कहता इतनी फास्ट बॉल ये तो कोई अंडर 12 का बॉलर ले क्या है। अंडर 12 का अच्छा मतलब काफी तेज बॉलर है। ओए ओए जख्मी हो जाए। मुझे लगता है कि जितनी हैवी उनकी टीम है ना हम लोग पक्का हारेंगे ये वाला मैच। बहुत तेज बॉलर है यार बॉलर है। ओए ये हम नहीं खेल रहे, तुम बड़े मुंडे ले आए हो। तीन छक्के मारे अभी मैंने। अच्छा हम सारे छोटे छोटे बड़े मुंडे। हमारी टीम ने जी खेलना शुरू कर दिया। पहली बैटिंग है। वाह भाई वाह मां साहब की बहुत ही जबरदस्त बैटिंग और रन आउट हो गए। 5-5 ओवर्स का हमारा मैच था और हमारी टीम पहली बैटिंग करने के बावजूद भी 17 स्कोर पर ऑल टीम आउट हो चुकी। 18 का टारगेट दिया। 18 का टारगेट। ये मैच तो पक्का हम लोग हार गए हैं ना मुझे लग रहा है। चल भाई पहला ओवर करवा। फील्डर मास खड़ा है भाई हैवी फील्डर। बॉल फेंक बॉल फेंक। 3 मैच टोटल हम लोगों ने खेले, 2 हार गए हैं और 1 ड्रॉ कर ड्रॉ हो गया। हां वो भी जीते नहीं है। हार ही गए वो भी हार ही गए। चलो खैर छोड़ो। चलो यार गेम तो हार गए, अब ये हारे खिलाड़ी जाएंगे वापस घर। भाई ये देख इसने क्या काम किया है। क्या काम किया? मुझे कहता है भाई मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो पूरी पिच पहन के जाऊंगा, मतलब पूरा ये कॉस्ट्यूम और साथ में मुझे हेलमेट चाहिए। मैंने कहा मेरे पास हेलमेट नहीं है और वैसे भी टेनिस में हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मैंने कहा मेरे पास नहीं है। फिर इसने क्या किया मुझे कहता तू ना वो बाइक वाला हेलमेट ले आ। मैं बाइक वाला हेलमेट लेकर घूम रहा हूँ, पहना है नहीं तूने। बैटिंग क्यों नहीं आई? आई तो है, आउट हो गया। जल्दी आया जल्दी गए। हेलमेट पहन के जाता ना ये वाला तो जीत जाता। ओहो मुझे लग रहा है कमल ने शायद पैकिंग कर ली है या फिर थोड़ी बहुत पैकिंग अभी बाकी है, बिकॉज पैक वगैरह पूरी तरह से अभी हमारे बंद नहीं हुए, इसलिए मुझे लग रहा है कि पैकिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। बेगम मेरी जाकर सो भी चुकी है बिकॉज सुबह जल्दी जल्दी उठने, थोड़ी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, 8-9 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, फिर 10 बजे पहुंचेंगे, फिर हमारी 12 बजे की फ्लाइट है। तो अब बस हमें दे आज के ब्लॉग से इजाजत ताकि भाई भी जाकर सोए आराम करे और सुबह फ्रेशली उठे, फ्रेशली एक नया ब्लॉग शुरू करे और आपसे दोबारा से मुलाकात करे। ठीक है बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। All my lessons, parece saber cuando volver a mí. Of all my blessings.